नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और अभी मैं आया हुआ हूँ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन डायरेक्टर सर से बात करेंगे, सर अहमद सर से कि सर शिक्षा पे चर्चा और आज के डेट में शिक्षा सबसे ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है और प्राइवेट स्कूल के समझे कि शिक्षा जगत में आप ही लाए इसके बारे में थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि जो CBSE ने अभी 10th और 12th क्लास के बच्चे को डायरेक्ट प्रमोट किया गया स्कूल वाले के ऊपर किया गया इस पे सर क्या राय है सर बताया जा सर। देखिए CBSE ने जो निर्णय लिया है 10th एंड 12th के बच्चों को प्रमोट करने का उसका प्राइवेट स्कूल इंजीनियरिंग एसोसिएशन स्वागत करती है। अब से लगातार 6 महीने से एसोसिएशन भारत सरकार के प्रधानमंत्री और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से मांग करती आ रही थी। इस कोरोना काल में ये संभव नहीं है कि बच्चे स्कूल जाकर के एग्ज़ाम दें और टीचर एग्ज़ाम दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इस कोरोना काल में जा चुकी थी और प्रधानमंत्री ने इसका फैसला लिया और स्वागत योग्य है। लेकिन जिस तरह से CBSE ने 10th के रिजल्ट को गाइडलाइन दिया बनाने के लिए वो बहुत ही निंदनीय और गलत तरीके से लिया है, इसका एसोसिएशन विरोध करती है और लगातार विरोध करती भी रहेगी, क्योंकि उन्होंने पिछले 3 वर्षों से स्कूल का जो रिजल्ट है उसी के पैटर्न में बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। मैं जानना चाहता हूँ CBSE से क्या 3 साल पहले उन्हीं के ऑफिस में जो पदाधिकारी काम खराब कर रहे थे तो आज कंटिन्यू कर रहे हैं या उनके जगह पर अच्छे पदाधिकारी मिले, यानी कोई भी चीज़ अगर 3 साल पहले बच्चे ने रिजल्ट ख़राब किया तो आप उसी को मापदंड 20 साल के बच्चों को कैसे दे सकते हैं। विद्यालय हमेशा इम्प्रूव करता है, टीचर हमेशा अपने बच्चों को इम्प्रूव कराते हैं, बच्चे हमेशा इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह से गाइडलाइन उन्होंने दिया कि नहीं 3 साल के रिजल्ट को देखते हुए आपको बताना है, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है। टीचरों जिन्होंने मेहनत करके पढ़ाया था बच्चों को पिछले 10 सालों में उनके साथ खिलवाड़ हुआ है और जो पेरेंट्स पिछले 10 सालों से लगातार अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे उनके साथ भी नाइंस आप। सर यह बात आ रही है कि सर आज के डेट में प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल्स जितना मेहनत से बच्चे को पढ़ाई दिया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में सरकार जो है टीचर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है। प्राइवेट स्कूल्स में तो अभी 2 साल से कोरोना काल में टीचर्स लोग को निकाल दिया गया स्कूल से निकाल दिया गया वो बैठे हुए हैं और प्राइवेट स्कूल्स में सैलरी नहीं जमा हो पा रहा, फीस नहीं जमा हो पा रहा है, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रहा है, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इस पे सर क्या राय है सर वो जो आप सामने में चैनल के माध्यम से ले सकते। देखिए पिछले 16 महीने से विद्यालय बंद है, टीचर और स्कूल के मैनेजमेंट मिल करके ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं और लगातार प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्र अध्यक्ष के नाते हमने भारत सरकार से और देश की विभिन्न राज्य सरकार से मांग किया कि पेरेंट्स के पास भी पैसे नहीं हैं तो ये जो करोड़ों हमारे जो टीचर हैं देश में और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं ये भूखे मर रहे हैं, सरकार को पहल करनी चाहिए। जैसे 20 लाख करोड़ का भारत सरकार ने कोरोना के लिए जो पैकेज दिया था उस पैकेज में हमारे टीचरों को भी कुछ मिलना चाहिए और इसलिए हमने मांग की थी। उसे कई राज्यों में टीचर को 25 KG अनाज और 5,000 रुपये मिल रहे हैं, उसी तरह हमने बिहार के लिए भी और पूरे देश के विभिन्न राज्य सरकार से मैंने मांग की थी। अब स्कूल के पास सीमित साधन होता है, एक फंड होता है जिससे वो स्कूल 1 महीने 2 महीने चला सकता है, लेकिन अगर पेरेंट्स ने फीस देना बंद कर दिया है तो बड़े अफसोस की बात है और सैकड़ों हमारे जो स्कूल के टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ हैं इस कोरोना काल में मार मर गए। पूरे देश के स्तर पर देखेंगे तो हज़ारों लोगों की जानें चली गई, पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करा पाए और हज़ारों स्कूल बंद हो गए, पैसे के अभाव में किराए नहीं दे पाए तो मकान मालिक ने बिल्डिंग खाली करा दी। ये सारा नुकसान बच्चों को ही होगा, जब स्कूल बंद हो गया तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो मैं आपके माध्यम से अभी भी केंद्र सरकार से और देश की विभिन्न राज्य सरकार से मांग करूँगा कि अभिलंब आप स्पेशल पैकेज दें, स्कूल को फिर खोलने का मौका दें और आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स से आग्रह करूँगा कि अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो गए तो आपको अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना होगा, क्योंकि स्कूल बंद हो रहे हैं इसलिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप कृपया स्कूल को फीस दें ताकि स्कूल अपने टीचरों को सैलरी दे सके और सुचारू रूप से पढ़ाई हो सके। सर यह बात आ रही है क्या है कि जब रिजल्ट आती है
चुकी है, पेरेंट्स यहाँ पे प्रेशर करते हैं बच्चे को, जबरदस्ती करते हैं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। बच्चा का कॉन्सेप्ट अलग और बच्चा चाहता है कि हम अलग फील्ड में जाए, पेरेंट्स का प्रेशर होता है। इस पे सर क्या कहना चाहते हैं, पेरेंट्स किस तरह से अपना से कहना चाहते हैं? देखिए पेरेंट्स जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दें, लेकिन जो बच्चे जिस लाइन में जाना चाहते हैं, उनका शौक है हम मेडिकल में जाएँ, किसी का शौक है इंजीनियरिंग में जाएँ, किसी का शौक है कि हम सी और सी एस में जाएँ, तो ऐसे बच्चों को उस लाइन में जाने के लिए पेरेंट्स को प्रोत्साहित करना चाहिए और स्कूल भी चाहता है कि उस बच्चों को उसी हिसाब से पढ़ाएँ। यही वजह है कि आप देखेंगे कि टेंथ के बाद कई ब्रांचेज हो जाते हैं, आर्ट्स हो जाते हैं, साइंस हो जाते हैं, कॉमर्स हो जाते हैं, बायोलॉजी मैथ्स हो जाते हैं। तो आज के डेट में बच्चे बहुत ही अक्रमंद हो गए हैं, बहुत ही नॉलेजफुल हो गए हैं। आज के जीवन का ज़माना है, बच्चे अपने फ्यूचर को समझते हैं कि किस फ्यूचर में, किस चीज़ में जाने से, किस स्ट्रीम में जाने से उनका फ्यूचर सेफ रहेगा। तो इस तरह से पेरेंट्स को सहयोग करना चाहिए। और सर शिक्षा से रिगार्डिंग सर क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बिहार में अभी केवल 12वीं क्लास को खोला गया है, बिहार सरकार से सर क्या मांग है? टीचर लोग मांग कर रहे हैं, डायरेक्टर्स को मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर के हेड हैं सर, आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? क्लास वन से लेकर ट्वेल्थ तक अविलंब खोले, क्योंकि जो बच्चे पिछले 16 महीने से जो घर में बैठे हैं, उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, उनका जो कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उनका जो सोशियो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन पढ़ने की वजह से उनके सर बिहार सरकार से सर क्या मांग है सर? क्योंकि आप ही सर लीड कर रहे हैं, समझिए कि 2 लाख टीचर्स आपके अंदर में है, सारा जिस तरह से आप मैसेज देते हैं उस तरह से सारे टीचर्स डायरेक्टर्स आपके हिसाब से वह प्राइवेट एंड चिल्ड्रन वेलफेयर के माध्यम से वो वर्क कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं सर, तो बिहार सरकार से सर आपकी क्या मांग है? केवल 12th क्लास को खोला गया है सर, इसे बताया जा सकता साधन की कमी है। तो मुझे लगता है कि अविलंब बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आदेश देना चाहिए और स्कूल खोलने का, क्योंकि अगर इसी तरह से 12th और 11th 10th 9th 8th करेंगे तो अगला 1-2 महीना और गुजर जाएगा और बच्चों की पढ़ाई खराब होती जाएगी। अविलंब क्लास 1 से 12th खोलने की एसोसिएशन मांग करते हैं। खास अभी हमारी बातचीत थी प्राइवेट चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन डायरेक्टर सर से, इन्होंने सीधा कहा कि स्कूल को जब खुलने में ही फायदा है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई ऑनलाइन दी जा रही है लेकिन बच्चे प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आइए इन्होंने सर ने क्या कहा हमारे चैनल के माध्यम से देखें, कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24।